नमस्कार दर्शकों, दर्शकों आज हम बात करने वाले हैं होली पर किए जाने वाले एक विशेष उपाय पर। हम सबको पता है 2019 में 20 मार्च को होली है जिसकी की हम पूजा करते हैं, होलिका दहन करते हैं, और 21 मार्च को खेलने वाली कलर की होली है। तो मित्रों, ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सिर्फ होली की समय, होली के समय ही किया जा सकता है और ये बहुत ही पावरफुल उपाय है। इस उपाय से बहुत लोगों को लाभ हुआ है, मैंने बहुत लोगों को ये उपाय बताया है और आज मैं ये उपाय आपको सार्वजनिक रूप से वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके अपनी परेशानियों से। ये जो उपाय है इसको करने से अगर आप पर कोई बंधन दोष है, कोई तांत्रिक क्रिया का दोष है, नजर दोष है, व्यापार चलते चलते रुक गया है, शादी विवाह में कोई आपके रुकावट आ रही है, आपको लग रहा है किसी कारणवश शादी में अड़चने आ रही हैं, या घर में क्लेश रहता है, घर में सुख शांति नहीं रहती, रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं घर में, दवाइयां काम तक नहीं करती, उपचार काम नहीं आता, तो ऐसे में हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और इधर उधर भटकने लग जाते हैं। बहुत से उपाय करने पर भी यदि किसी तरह का कोई राहत आपको नहीं मिल रही है तो दीपावली की रात को ये उपाय अवश्य कर लें। बहुत ही काम का उपाय बता रहा हूं। इसके लिए जो सामग्री चाहिए उसमें है थोड़ा सा अलसी का तेल, एक बड़ा पीस पत्थर वाला कोयला जिसको कि हम घिस करके गोल कर लेंगे जितना गोल आप कर सकें, एक मिट्टी की हांडी छोटी और गन्ने का ताजा रस, ये है सामग्री। मित्रों आपने करना क्या है, होली दहन 20 मार्च वाले दिन सुबह नहा धोकर के शुद्ध होकर के अपने इष्ट का ध्यान करते रहें, जितनी आप पूजा पाठ कर सकते हैं अपने तरीके से करते रहें। शाम के समय आपको एक पत्थर का कोयला लेना है, करीबन बॉल के आकार का, जो बॉल बच्चे खेलते हैं उस आकार का एक कोयला ले लें और उसे आप जितना हो सके उसको गोल शेप में लें, गोल कर लें या गोल शेप में ही लें, लेकर के आप उसे शाम को करीबन 6-7 बजे के करीब किसी पात्र में रखें, उसमें अलसी का तेल उसके ऊपर डाल दें और उसे भिगो करके रख दें। और जब होलिका दहन हो, होलिका दहन इस बार 8:52 से शाम को शुरू होगा और आपको ये उपाय 9 से 10 के बीच में कभी भी आप कर सकते हैं। इसके लिए जहां सार्वजनिक रूप से होलिका दहन होती है आप ये उपाय वहां कर सकते हैं, नहीं तो आप ये उपाय स्वयं भी एक छोटा उबलों का गोबर का एक आप ढेर बना लें, उस पर अग्नि जलाएं और होलिका दहन का जो भी प्रक्रिया करते हैं जिस क्षेत्र में जिस ढंग से करते हैं तो करें। और ये जो पत्थर है, ये जो कोयला है, इसको आपने जिस व्यक्ति के ऊपर परेशानी हो, जिस व्यक्ति का कोई कार्य नहीं बन रहा हो, उसको कहें कि अपने हाथ से स्वयं ही एंटी क्लॉक 9 बार अपने सर से घुमा करके उस अग्नि में इसको डाल दें और डाल करके आपको वापस आ जाना है। सारी रात उसी अग्नि में वो वहीं पड़ा रहेगा, सुबह जाकर के जल्दी आप वो कोयला निकाल लाएं, या अगर अपने घर के आसपास करते हैं तो वहां से निकाल लें, निकाल करके आप उसे
एक मिट्टी की जो हांडी आपने पहले ले रखी है उसके अंदर ताजा गन्ने का जूस निकलवा के लाएं। अगर गन्ने का रस आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप गुड़ वाला शरबत, जो गुड़ वाला पानी होता है, वो भी यूज कर सकते हैं। छोटा मटका, उसके अंदर जूस या गुड़ का पानी भर लें। और जो आपको आप जो लेकर के आए हैं कोयला, उस कोयले को उसके अंदर डाल दें। डाल करके ऊपर से उसे ढक्कन से बंद कर लें या लाल कपड़े से बंद कर लें। और सुबह जब होली का त्योहार शुरू होता है, खेलना शुरू करते हैं, उससे पहले ही 6-7 बजे ही जा करके आपने ये कार्य करना है कि दूर कहीं ले जाएं, ऐसा चौरस्ता ढूंढें जो कच्चा हो। अगर कच्चा चौरस्ता नहीं मिल रहा तो आप कहीं वीरान जगह पर जाकर के एक चौरस्ता बनाएं, अंगुली से क्रॉस बना लें और उसके ऊपर वो हांडी छोड़ दें। छोड़ करके आपको उसकी परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमाएं आपने सीधी करनी है, उल्टी नहीं करनी है। तो करने के बाद आप अपने इष्ट का ध्यान करें, देवी का ध्यान करें और कहें कि मेरे जितने भी कष्ट, जितने भी परेशानियां हैं, मैं यहीं छोड़कर जा रहा हूं और आज के बाद आप मेरा पीछा मत करना। अगर किसी ने कुछ किया कराया है, कोई चीज है, तो वो यहीं रह जाए। अगर कोई ग्रह खराब है तो वो ठीक हो जाए। ऐसी आप कामना करते हुए वो मटका आप वीरान में छोड़कर वापस आ जाएं। जब वापस चलने लगे तो पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। और घर आकर आपने फिर से स्नान करके, नहा धो करके फिर होली खेलनी है। मित्रों, है तो बहुत आसान उपाय, आराम से आप कर सकते हैं। अपने घर के बाहर ही आप होलिका दहन कर सकते हैं, अगर सार्वजनिक जगह पे आप ये ना कर पाए तो। और करें, लाभ लें, इतना लाभ मिलेगा आपको, आप पूरा वर्ष लाभान्वित रहेंगे, व्यापार भी चलेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, किया कराए का दोष भी खत्म होगा। और इसके अलावा हर साल आप होली के समय अगर ये उपाय करते रहेंगे तो सभी परेशानियों का हल आपका हो जाएगा। दूसरे लोगों को भी बताएं, जिन लोगों को परेशानी है चाहे किसी भी तरह की, तो जितने लोगों को आप बताएंगे, जितने लोग ये उपाय करेंगे, उतना ही सबको लाभ होगा। धन्यवाद। जय माता।